विपक्ष ने जो संकल्प लिया है उसकी सराहना करता हूं। उनके भाषण के एक एक बात से मेरा और देश का विश्वास पक्का हो गया है कि इन्होंने लंबे अरसे तक वहां रहने का संकल्प ले लिया। अब कई दशक तक जैसे यहां बैठे थे वैसे ही कई दशक तक वहां बैठने का आपका संकल्प और जनता जनार्दन तो ईश्वर का रूप होती है। अगले चुनाव में दर्शक दिशा में दिखेंगे। क्या हो गया है दादा, क्या देश के युवा जी की बात होती है? समाज के सब वर्ग नहीं होते हैं क्या? देश की नारी की बात होती है? देश की सभी नारी नहीं होती है? कब तक टुकड़ों में सोचते रहोगे? कब तक समाज को बांटते रहोगे? सब सीमा करो, सीमा करो, बहुत तोड़ा देश को। आज विपक्ष की जो हालत होगी ना, इसकी सबसे दोषी कांग्रेस पार्टी है। विपक्ष ने जो संकल्प लिया है उसकी सराहना करता हूं। उनके भाषण के एक एक बात से मेरा और देश का विश्वास पक्का हो गया है कि इन्होंने लंबे अरसे तक वहां रहने का संकल्प ले लिया। आप कई दशक तक जैसे यहां बैठे थे वैसे ही कई दशक तक वहां बैठने का आपका संकल्प और जनता जनार्दन तो ईश्वर का रूप होती है। और आप लोग जिस प्रकार से इन दिनों मेहनत कर रहे हैं, मैं पक्का मानता हूं कि ईश्वर रूपी जनता जनार्दन आपको जरूर आशीर्वाद देगी। और आप जिस ऊंचाई पे हैं उससे भी अधिक ऊंचाई पर जरूर पहुंचेंगे और अगले चुनाव में दर्शक दिशा में दिखेंगे। अधिरंजन जी, इस बार आपने आपका कॉन्ट्रैक्ट उनको दे दिया है क्या? हमारे गीता में बोलते हैं कि अहंकरम बलम दर्पम। आपने इन्हीं चीजों को पचाया है। मैं देख रहा हूं कि आप में से बहुत लोग चुनाव लड़ने का हौसला भी खो चुके हैं। और मैंने सुना है बहुत लोग पिछली बार भी सीट बदली, इस बार भी कुछ सीट बदलने के फिराक में हैं। और मैंने सुना है बहुत लोग अब लोकसभा के बजाय राज्यसभा में जाना चाहते हैं। तो स्थितियों का आकलन करके वो अपना अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रपति जी का भाषण एक प्रकार से तथ्यों के आधार पर, हकीकतों के आधार पर एक बहुत बड़ा दस्तावेज है जो देश के सामने राष्ट्रपति जी ने प्रस्तुत किया। और इस देश पूरे दस्तावेज को आप देखेंगे तो उन हकीकतों को समेटने का प्रयास किया है जिससे देश
किस स्पीड से प्रगति कर रहा है, किस स्केल के साथ गतिविधियों का विस्तार हो रहा है, उसका लेखा जोखा आदरणीय राष्ट्रपति जी ने प्रस्तुत किया है। आदरणीय राष्ट्रपति जी ने भारत के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए चार मजबूत स्तंभों पर हम सबका ध्यान केंद्रित किया है और उनका सही सही आकलन है कि देश के चार स्तंभ जितने ज्यादा मजबूत होंगे, जितने ज्यादा विकसित होंगे, जितने ज्यादा समृद्ध होंगे, हमारा देश उतना ही समृद्ध होगा, उतना ही तेजी से समृद्ध होगा। और उन्होंने इन चार स्तंभों का उल्लेख करते हुए देश की नारी शक्ति, देश की युवा शक्ति, देश के हमारे गरीब भाई बहन और देश के हमारे किसान, हमारे मछुआरे, हमारे पशुपालक, उनकी चर्चा की है। इनके सशक्तिकरण के माध्यम से राष्ट्र के विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के जो राह है उसका स्पष्ट दिशा निर्देश आदरणीय राष्ट्रपति ने कहा है। अच्छा होता, हो सकता है आपके यहां फिशरमैन माइनॉरिटी के ना हो, हो सकता है आपके यहां पशुपालक माइनॉरिटी के ना हो, हो सकता है किसान आपके यहां माइनॉरिटी के ना हो, हो सकता है महिलाएं आपके यहां माइनॉरिटी में ना हो, हो सकता है कि आपके यहां युवा में माइनॉरिटी, क्या हो गया है दादा? क्या देश के युवा जी की बात होती है? समाज के सब वर्ग नहीं होते हैं क्या? देश की नारी की बात होती है? देश की सभी नारी नहीं होती है? कब तक टुकड़ों में सोचते रहोगे? कब तक समाज को बांटते रहोगे? सब सीमा करो, सीमा करो, बहुत तोड़ा देश को। आदरणीय अध्यक्ष जी, अच्छा होता कि जाते जाते तो कम से कम इस चर्चा के दरमियान कुछ सकारात्मक बातें होती, कुछ सकारात्मक सुझाव आते, लेकिन हर बार की तरह आप सब साथियों ने देश को बहुत निराश किया, क्योंकि आपकी सोच की मर्यादा देश समझ पा रहा है और उसको बार बार दर्द होता कि ये दशा है इनकी, इनकी सोचने की मर्यादा इतनी है। आदरणीय अध्यक्ष जी, नेता तो बदल गए लेकिन टेप रिकॉर्डर वही बज रही है, वही बातें, कोई नई बात आती नहीं, और पुरानी ढपली और पुराना राग वही चलता रहता है आपका। चुनाव का वर्ष था, थोड़ी मेहनत करते, कुछ नया निकाल करके लाते, जनता को जरा संदेश दे पाते, उसमें भी फेल गए आप। चलिए ये भी मैं सिखाता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज विपक्ष की जो हालत होगी ना, इसकी सबसे दोषी कांग्रेस पार्टी है।